Hi guys, welcome to my channel. It's me, Anaya. So, आज की हमारी वीडियो है वो है नो मिरर मेकअप चैलेंज. सो गाइस, बिना मिरर के तो मेकअप होता ही नहीं है, जानते हो कि नहीं जानते हो. इसीलिए ये तो हमारे लिए चैलेंज ही हो गया ना. तो आज हम करेंगे नो मिरर मेकअप चैलेंज. तो मैंने कुछ ये सामान मेकअप के ले लिए हैं बहुत सारे. तो चलिए हम मेकअप अपना करते हैं. बिना मिरर के कर रही हूँ तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने अपने सामने मिरर रखा है कि नहीं रखा है. तो मैं आपको दिखा देती हूँ गाइस. सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये है मेरा पीछे का, और यहीं पे मैं वीडियो अपना मोबाइल रख के शूट करती हूँ. तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे कहीं भी मिरर नहीं रखा है गाइस. और ये जो पीछे है उसे इग्नोर करिए गाइस. पाइप जो है उसे इग्नोर कर दीजिए आप, क्योंकि वो मेरे बगल वाले घर का है. तो चलिए. तो गाइस, मैंने आपको बैक कैमरा दिखा दिया है कि मैं मिरर नहीं रखी हूँ. और तो चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं. तो मेकअप करने से पहले हमें अप्लाई करना पड़ता है प्राइमर. सो मैं प्राइमर लगा लेती हूँ. वैसे तो मैं प्राइमर यूज़ नहीं करती गाइस, एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ. बट एलोवेरा जेल अब मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं एलोवेरा जेल नहीं अप्लाई कर रही हूँ. मुझे लगता है कि प्राइमर बच्चों की स्किन के लिए उतना अच्छा नहीं होता है. सो पहले मैं लगा लेती हूँ. तो कहीं धीरे धीरे मैंने प्राइमर ले लिया है, नज़र भी नहीं आ रहा है. हाँ, मैंने ये प्राइमर ले लिया है तो मैं इसे लगा देती हूँ. मैं अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ अपनी लिप के लिए. तो चलिए, मेरा जो हाथ में बच गया है उसे हम लेते हैं. हाँ, इनको ये भी लगा लेते हैं. ब्यूटी प्लेंट उससे मेरा लिए उतनी थकाई. सो मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, मैंने यहाँ पे ब्लेंड कर लिया है. तो चलिए अब हम लगाते हैं फाउंडेशन. वैसे मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ गाइस, बट ये वीडियो है इसलिए मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ. सो मैं हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ. मैंने प्राइमर भी हुडा ब्यूटी का यूज़ किया था गाइस. तो मैं फाउंडेशन ले लेती हूँ गाइस अच्छे से. तो मैं गलती मेरा फाउंडेशन जो है वो ढेर सारा निकल गया. अब तो मैं क्या करूँ, इतना सारा मेरा फाउंडी और बच्चों को तो ये सब लगाना नहीं चल रहा है. फिर मैं फाउंडेशन लगा लेती हूँ डॉट डॉट कर देते बाल पीछे कर लेते. यार, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मेरा अच्छे से ब्लेंड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा. मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है डॉट में. मैं एक घंटे से मिलाऊंगा इसे, आपको लगता है कि मैं एक घंटे से मिलाऊंगी? नहीं, ये मैंने ये करने वाली. मैं जब भी अच्छा गया ऐसे मिला लूँगी. मुझे कुछ नहीं गई तो लिपस्टिक और लाइनर मत करा, मुझे लग रहा है. गाइस, मेरा फेस कैसा लग रहा है? ऐसे तो ये वीडियो बैक कैमरा से हो रही है, बट मेरा फेस पता नहीं चल रहा है मुझे. आपको क्या लग रहा है? तो मुझे लगता है ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है गाइस. मोबाइल के लिए मैं आपको बताऊंगी, कुछ बताइए फिर कैसे बता सकती हूँ आप लोग को. तो मैंने ब्लेंड करने की कोशिश की है, मेरा ब्यूटी ब्लेंडर गिर गया गाइस. ओके, मैं 2 मिनट ब्यूटी ब्लेंडर उठा कर आती हूँ. मुझे तो हम अप्लाई करेंगे वो है पाउडर. कॉम्पैक्ट पाउडर गाइस, और मेरे कॉम्पैक्ट पाउडर का क्या हाल होता है देखिए. ये देखिए, इसका ढक्कन मेरे गलती से टूट गया है, गिरा था तो. और बाकी ये तो बचा हुआ, बट साइड साइड पे ये भी ब्रेक हो गया है. सो अब हम कॉम्पैक्ट अप्लाई करते हैं. मैं अगर आप लोग को चुड़ैल लग रही हूँ तो प्लीज़ प्लीज़
इग्नोर करिए मुझे, इग्नोर करिएगा तो वीडियो कैसे देखिएगा बताइए, बताइए कमेंट में ज़रूर बताइए, इग्नोर कर रहे हैं आप मुझे? नहीं, वैसे भी आप लोग इग्नोर थोड़ी ना करेंगे, वीडियो देखेंगे तो मुझे तो देखना ही पड़ेगा आप लोग को। वैसे मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, बक बक करती हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरी इस बक बक पे इग्नोर करिएगा, ठीक है? वीडियो बाकी आप देखिए और आधा वीडियो छोड़ के मत जाइएगा गाइस, देख लीजिए मैंने कितना कॉम्पैक्ट थोक लिया है। अब हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? लाइनर। वैसे मैं आई मेकअप नहीं करना चाहती हूँ, चल आई मेकअप नहीं पसंद है इसलिए मैं आई मेकअप नहीं करूँगी, और वैसे मुझे थोड़ू थोड़ू आता है, ज़्यादा नहीं आता है मेकअप, सो मैं आई मेकअप नहीं करूँगी गाइस, बस लाइनर मस्कारा और लिपस्टिक अप्लाई करूँगी, तो आप वही सब देखिए। सो गाइस मैं पहले ब्लू हेवन का लाइनर अप्लाई करूँगी, अब ये देखते हैं कैसे मैं अप्लाई कर पाती हूँ। गाइस वैसे मैंने हाइलाइटर ब्लश ये सब अप्लाई नहीं किया, मैं भूल गई था गाइस, अच्छा वो सबको हम बाद में अप्लाई कर लें। हाँ तो शायद मैंने लाइनर अप्लाई कर लिया है, मैंने लाइनर अप्लाई कर लिया है गाइस, तो अब मस्कारा अप्लाई करेंगे। मैंने मस्कारा भी अप्लाई कर लिया है, ब्लश पहले आई मेकअप ही ख़त्म करते हैं, मैंने मस्कारा लगा लिया है, लाइनर लगा लिया है, अब हम काजल अप्लाई करेंगे। मैंने काजल अप्लाई कर लिया है गाइस, आप देख सकते हैं। तो अब मैं जो अप्लाई करने वाली हूँ वो है ब्लश। सो मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लश अप्लाई करूँगी, पहले वो लगा लेती हूँ। ताकि मैं एकदम सुंदर लगूँ, मुझे ब्रश ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करूँ ब्रश। तो गाइस मैंने ब्लश अप्लाई कर लिया है, अगर मैं चुड़ैल लग रही हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइस। अब हम हाइलाइटर अप्लाई करते हैं नोज़ एरिया पर, वैसे मैंने कंटूर भी नहीं किया है, मुझे नहीं करने इसीलिए नहीं किया। सो मैंने यहाँ तक अप्लाई कर लिया है, अब मैं इसीलिए अच्छा तरीके से ये बाल ना कर, मैं पॉनी टेल बांध ले, बाल बाल बना जा रहे हैं। अगर मैं चुड़ैल लग रही हूँ तो मुझे तो नहीं पता है, आपको पता हो
और वीडियो पूरा देखिएगा, खूब मजा आएगा, खूब से खूब मजा आएगा। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ, जैसी भी लग रही हूँ, चुड़ैल लग रही हूँ। मैंने ये सभी अप्लाई कर लिया है गाइस। अब लास्ट आइटम है वो है लिपस्टिक। ये है मेरा मैटमी का लिपस्टिक, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है गाइस, मेरा फेवरेट लिपस्टिक है। तो चलिए अब इतना मेरा रखे, हम ये भी अप्लाई करके देख ही लेते हैं। ये बहुत स्मूथ है गाइस। सो गाइस मैंने ये भी अप्लाई कर लिया है, मिक्स कर लेता हूँ। तो अब मैं कहती लगती हूँ, मैं मिरर में आपको देख के बताती हूँ गाइस। वैसे आप देख लो मेरा मेकअप, पहले मुझे देखने से पहले आप ही देख लो मेरा मेकअप कैसा है। अब तो चलिए अब हम मिरर में देखते हैं गाइस। तो मेरा मिरर मैंने इस साइड रख लिया था, बट मैं देख नहीं रही हूँ। मिरर ले आया है ये मैंने क्या हाल किया है, ये लाइनर गाइस, ये देखिए, ये भी देखिए, ये तो जरा देखने में ठीक भी लग रहा है, पर ये ओ गॉड। और ये देखिए गाइस मैंने आंखों के नीचे क्या कर लिया, काजल है, ये लाइनर है और ना मैंने मास्कारा, और ये मैंने देखिए हाइलाइटर भी अच्छे से मिक्स नहीं किया है, और ये मेरे लिपस्टिक इधर 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 पूरा बेकार हो गया गाइस मेरा मेकअप। उफ, तो मैं चुड़ैल लग रही हूँ मैं चुड़ैल लग रही हूँ गाइस। और मैंने अच्छे से लगाया है पर मैंने इसे अच्छे से नहीं मिलाया, अब मैं मिला भी नहीं सकती हूँ। मैंने ब्यूटीफुल ब्लेंडर उठा के सोचा मैंने अपना मेकअप ठीक कर ली थी, बट नहीं कर, मैं नहीं कर सकती। तो अब मैं आती हूँ अपना फेस धोकर आती हूँ कि इसी में एंड कर दूँ, मैं इसी में एंड कर देती हूँ गाइस। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, इसीलिए अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। सो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा इस चुड़ैल वाले मेकअप के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बगल वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो तुरंत पता चल जाए। सो गाइस वीडियो एंड हो गई है, तो मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।